दोनों टीमों के बीच चलता हुआ नेशनल इंटर कॉलेज मुरारिया बेग के ग्राउंड पर। अब ये कांटे का मुकाबला देखना है कौन टीम जीतती है, देखना है किस टीम में कितना दम है और कौन सी टीम ये मैच विजय होती है। जबरदस्त फरहार दोनों टीमों की तरफ से चलता हुआ, यानी हम किसी से कम नहीं। आजमगढ़ के खिलाड़ी ने यह साफ किया, दो और एक एक का मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच। अच्छी सर्विस आजमगढ़ के सर्विसर के द्वारा गोरखपुर की फील्ड में और लाजवाब शॉट यहां पर। इस एक पॉइंट के साथ दोनों टीमों का स्कोर 2-2, यानी दोनों टीमों का स्कोर बराबर। ये बराबर का मैच चलता हुआ इन दोनों टीमों के बीच। वीर बहादुर स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच आज का ये शानदार पहला मुकाबला नेशनल इंटर कॉलेज मुरारिया बेग की धरती पर चलता हुआ। एक पॉइंट का और इजाफा होता हुआ गोरखपुर की टीम को। रेफरी महोदय से आप लोग बात ना करें, रेफरी का फैसला अंतिम और लास्ट होगा। एक पॉइंट का और इजाफा होता हुआ आजमगढ़ की थोली में जाता हुआ। 3-3 का मुकाबला 3-3, दोनों टीमों का स्कोर एक बार फिर से बराबर। मेहमान भैया एकदम साफ बच रहा है। आप लोग भाई रेफरी महोदय से बातचीत ना करें, मैच को खेलें। आप लोग अच्छे खिलाड़ी हैं, उसका परिचय दें। रेफरी महोदय से आप सभी लोग बात ना करें। अच्छी शॉट वहां पर, अच्छा फरहार यहां पर कहा जाएगा। बच्चे कुछ मजा नहीं आ रहा आप लोगों को लग रहा है मुझे, क्यों? सर्विस होगी वीर बहादुर स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर की तरफ से आजमगढ़ की फील्ड में। अच्छा प्रयास वहां पर और कामयाब भी रहे गेंद को गिराने में। अच्छा प्लेस दिया वहां पर और सफल भी रहे आजमगढ़ के खिलाड़ी। 4-4 दोनों टीमों का स्कोर एक बार फिर से बराबर। अच्छी शॉट वहां पर, दीवार तो बनाया था लेकिन थोड़ा दीवार कमजोर पड़ी और ये जाकर के फिर से बाहर गिरी। गोरखपुर को एक पॉइंट का और इजाफा होता हुआ 5-4 का मुकाबला। काफी अच्छा मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच चलता हुआ। कभी एक पॉइंट की बढ़त गोरखपुर तो कभी एक पॉइंट की बढ़त आजमगढ़, अब 2 पॉइंट की बढ़त होती हुई यहां पर गोरखपुर की टीम को। स्कोरर महोदय हमारे हैं जनाब मोहम्मद आकिब साहब और जनाब हसान साहब, जो अच्छे स्कोरर माने जाते हैं। इससे पहले भी जब मैच हुआ था तो यही होनहार बच्चों ने स्कोर की थी और बहुत ही अच्छी स्कोरिंग की थी। एक पॉइंट का और इजाफा होता हुआ आजमगढ़ की झोली में जाता हुआ। 5-6 का मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच। मैं आप सभी दर्शकों को बताता चलूं कि इस टूर्नामेंट में अभी तक जो भी टीमों ने भाग लिया है, मैं उन सभी टीमों का नाम आप सभी लोगों को बताता हूं। अच्छी शॉट वहां पर, जबरदस्त फरहार आजमगढ़ के 7 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा। छे और छे से दोनों टीमों का स्कोर बराबर। अच्छा प्रयास था रिटिकल लेकिन गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर के गिरी। साबिश कलीम और हस्तान कलीम के साथी कमेंटेटर जनाब खलीफुर रहमान साहब कहीं भी हो कमेंटेटर बात पर पहुंच जाए और कमेंट्री करें। जनाब मास्टर खलीफुर रहमान साहब कहाँ हैं? इस टूर्नामेंट में जो भी टीमों ने भाग लिया है, मैं एक बार आप सभी लोगों को बता दूं, यानी यार गोरखपुर, आजमगढ़, बादा हॉस्टल बादा, स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर, स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ, साई हॉस्टल साई रायबरेली, हरियाणा फैजाबाद हॉस्टल अयोध्या,
रामपुर मध्य प्रदेश, ये सभी टीमें ने भाग लिया इस टूर्नामेंट में। कुछ टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं और कुछ टीमों का आना अभी यहां पर बाकी, जो हमारे नजदीक पहुंच चुकी हैं। वॉलीबॉल का घमासान नेशनल इंटर कॉलेज मुडाडिया बेग का मैदान, नेशनल डे नाइट राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आज पहला दिन, पहले दिन का जो पहला मैच खेला जा रहा है वो वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर वर्सेस आजमगढ़ के बीच तीन सेट के मुकाबले में दोनों टीमों ने एक एक सेट जीत करके बराबरी पे हैं। तीसरे सेट में जो टीमों का पॉइंट है आजमगढ़ 8, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर 8। शाहरुख की लाजवाब सर्विस, पूर्वांचल के माने जाने सर्विसर हैं मिस्टर शाहरुख, जिस नाम से जाने जाते हैं शाहरुख को कारनामा अभी तक दिखाए नहीं है इस एनआईसी के ग्राउंड पे। अब सर्विस होगी वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर की जाने से आजमगढ़ की फील्ड में, हल्के हाथों से सर्विस, खूबसूरत डिफेंस, अच्छी शॉट, लाजवाब शॉट, जिसका फायदा मिला आजमगढ़ को। आजमगढ़ 9, वीर बहादुर सिंह। हमारे बीच में इस राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हमारे बीच में बहुत ही होनहार अनुभवी प्रधान जनाब अफजाल अहमद साहब, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यपाल पुरस्कार से भी सुशोभित किया है, पुरस्कृत किया है। हमारे बीच में इस वक्त तस्वीर फर्मा है, मैं उनका नेशनल इंटर कॉलेज मुराडिया बेग की तरफ से, ARCPG कॉलेज की तरफ से और तमाम ग्रामवासियों की तरफ से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जनाब अफजाल अहमद साहब प्रधान सेहुड़ा की हाजिरी हमारे लिए बहुत ही बात से फख्र और मुसर्रत होगी। मैं मोहम्मद आजम साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जनाब अफजाल अहमद साहब का आप बैग लगा करके इस्तकबाल करें। जनाब अफजाल अहमद साहब का जनाब मोहम्मद आजम साहब इस्तकबाल करें। इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही मुसर्रत और खुशी की बात है कि व्यायामशाला बस्ती के बहुत ही होनहार सीनियर खिलाड़ी और बस्ती पुरानी बस्ती के सफासत जनाब क्यामुद्दीन साहब, जो कम्मू के नाम से पूरे पूर्वांचल में मशहूर है, प्रसिद्ध है, हमारे बीच में तशरीफ फरमा है, मैं उनका इस टूर्नामेंट में, इस ग्राउंड में इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मैं जनाब खालिद कमाल प्रकाश करूंगा कि आप जनाब क्यामुद्दीन साहब को बैज लगा करके उनका इस्तकबाल करें। जनाब खालिद कमाल साहब बैज लगा करके इस्तकबाल करते हुए क्यामुद्दीन साहब उर्फ कम्मू, जनाब क्यामुद्दीन साहब के साथ में इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए जनाब अहमद रजा साहब यहां पर मौजूद हैं, मैं उनका भी यहां के इस टूर्नामेंट कमेटी की तरफ से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। जनाब अफजाल अहमद साहब प्रधान सेहुड़ा, जिन्हें जिनकी कार्यकुशलता, अच्छे काम, खैरखाही के काम, फलाह के काम, वेलफेयर के कामों से खुश होकर के, जिनके चैरिटी के काम से खुश होकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें राज्यपाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया है, हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है, मौजूद है, मैं उनका हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपने इस प्रतियोगिता में पहुंच करके न सिर्फ हम सभी लोगों की हौसला अफजाई किया है, बल्कि इस प्रतियोगिता में आपने 4 चांद लगाया है। जनाब क्यामुद्दीन साहब, जो बस्ती व्यायामशाला से चल करके हमारे बीच में एक वॉलीबॉल के बहुत ही सीनियर वरिष्ठ खिलाड़ी रह चुके हैं, हमारे बीच में तशरीफ फरमाए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इस मैच को कामयाब बनाने के लिए जनाब मौलाना बशर अहमद साहब, जनाब नसीब अनवर साहब, जनाब मुख्तार अहमद, जनाब शमसुल हक साहब, जनाब कल्लू साहब, जनाब अब्दुल वासे साहब, अफजाल अहमद साहब और इस इलाके की बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियात यहाँ पर मौजूद है, मैं सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मैं कमेटी के जिम्मेदारों से कहूँगा कि जो भी जिम्मेदार हजरात खड़े हैं उनके लिए कुर्सियों पर बैठने का इंतजाम किया गया है, वो बैठ जाएं।
लाइनमैन अपना काम बखूबी अंजाम दें, पूरा ध्यान फील्ड के ऊपर रखें। इस समय टोटल स्कोर आजमगढ़ 12, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर का। सर्विस आजमगढ़ जानी से शाहरुख द्वारा, जंपिंग सर्विस शाहरुख की सर्विस नेट रही, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा आजमगढ़ को। एक पॉइंट और मिलेगा वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर को। स्पोर्ट कॉलेज 11, आजमगढ़ 12। इस समय सर्विस गोरखपुर की जाने से आजमगढ़ के लिए खूबसूरत सर्विस थी। सर्विस से एक पॉइंट अर्जित किया, अपने टीम का स्कोर पहुंचाया 12, आजमगढ़ 12। दोनों टीमों का स्कोर इस समय 12-12 बराबर। रेफरी की विसिल बजी। हेलो, इस मैच के तुरंत बाद स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ और हरियाणा के बीच मैच खेला जाएगा। इस मैच के तुरंत बाद फौरन बाद स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ और हरियाणा के बीच मैच खेला जाएगा। मैं दोनों टीम कैप्टन से दरखास्त करूंगा कि अपने खिलाड़ियों के साथ वार्म अप होकर के मैदान में फौरन पहुंच जाएं। स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ वर्सेज हरियाणा, दोनों टीम के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान के बाहर वार्म अप हो लें और इस मैच के खत्म होने के फौरन बाद मैदान में पहुंच जाएं। अच्छी सर्विस, एक पॉइंट हासिल किया सर्विस से मिस्टर शाहरुख ने। पॉइंट आजमगढ़ को मिलेगा। लाइन मैन भाई स्कोर महोदय आजमगढ़ को ध्यान रखें। स्कोर महोदय आजमगढ़ रखें। अच्छी शॉट, आउट मार बैठे वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज के खिलाड़ी। एक पॉइंट और मिला आजमगढ़ को। आजमगढ़ 15, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर 12। टाइम आउट लिया गोरखपुर के खिलाड़ियों ने। देखना है टाइम आउट के बाद क्या करते हैं। डॉक्टर जनाब मोहम्मद आकिब और मोहम्मद हसान, जो एआरसी पीजी कॉलेज में बीसीए के स्कॉलर हैं, उनका काफी एक्सपीरियंस और अनुभव है स्कूलिंग के काम को करने का, उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर ना करें, बहुत ही खूबसूरती के साथ में। और उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि उनके वालिद मोहतरम बहुत ही सीनियर खिलाड़ी जनाब हाफिज अब्दुल नाफे साहब, जो हाफिज जी के नाम से पूरे वॉलीबॉल के क्षेत्र में मशहूर रह चुके हैं, वहां पर मौजूद हैं, तशरीफ फरमाएं। हल्के हाथों से खेला गोरखपुर के खिलाड़ी ने। एक बार फिर शाहरुख के लिए बॉल उछाली गई, खूबसूरत शॉट कही जाएगी शाहरुख की। एक पॉइंट और मिला आजमगढ़ को। आजमगढ़ 16, गोरखपुर 12। इस मैच के तुरंत बाद स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ और हरियाणा, दोनों टीमों को कोई भी समय नहीं दिया जाएगा। दोनों टीमें तुरंत ग्राउंड के बाहर वार्म अप हो लें। आजमगढ़ 16, गोरखपुर 12। सर्विस शाहरुख द्वारा, अच्छी सर्विस कही जाएगी शाहरुख की। हल्के हाथों से खेल करके गोरखपुर के खिलाड़ी ने एक पॉइंट और हासिल किया। गोरखपुर 13, आजमगढ़ 16। अब सर्विस होगी वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर की जाने से आजमगढ़ की फील्ड में। अच्छी सर्विस, बाल उछाली गई शाहरुख के लिए। हल्के हाथों से खेला शाहरुख ने, अच्छी शॉट। दोनों टीमें पूर्वांचल की मानी जानी टीमें, एक तरफ वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर, दूसरी जानी आजमगढ़। हल्के हाथों से खेल करके आजमगढ़ के खिलाड़ी ने एक पॉइंट हासिल किया। आजमगढ़ का स्कोर जा पहुंचा 17, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर 13। इस मैच के फौरन बाद स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ और हरियाणा, अच्छी सर्विस, उतना ही खूबसूरत डिफेंस, अच्छी शॉट गोरखपुर के द्वारा। एक पॉइंट मिला गोरखपुर को। गोरखपुर 14, आजमगढ़ 17। ये फाइनल सर्विस होगी इस वक्त गोरखपुर की जानिब से आजमगढ़ की फील्ड में। अच्छी सर्विस, उतना ही खूबसूरत डिफेंस,
शॉट मारने की कोशिश और कामयाब रहे। आजमगढ़ के खिलाड़ी, आजमगढ़ का स्कोर 18 और गोरखपुर 14। अपने मंजिल के करीब धीरे धीरे पहुंचती हुई आजमगढ़, ठीक उसी के पीछे पीछे वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर। 18 और 15, आजमगढ़ 18, गोरखपुर 15। सर्विस वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर की जानिब से आजमगढ़ के फील्ड में। अच्छा रास्ता, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद। शाहरुख के लिए बाल निकाली गई, हल्के हाथों से खेला मिस्टर शाहरुख ने। खूबसूरत शॉट कही जाएगी गोरखपुर द्वारा, अच्छी शॉट। गोरखपुर के 4 नंबर खिलाड़ी द्वारा, गोरखपुर 16, आजमगढ़ 18। इस मैच के तुरंत बाद स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ और हरियाणा दोनों टीमें अच्छी शॉट, 1 पॉइंट और हासिल किया आजमगढ़ ने। आजमगढ़ 19, गोरखपुर 16। वॉलीबॉल का घमासान नेशनल एनआईसी का मैदान। पकड़ो मारा वाले बाल में ले रहे, मार पे नहीं किया बस। अरे मिल रहे हैं भले से दे मुझे समारो तो समारो कितना कितना रन आ रहे इस तो रोज काम करूंगा 20-11 इस मैच के फौरन बाद स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ वर्सेज हरियाणा दोनों टीमें ग्राउंड के बाहर वार्म अप होने, उनको कोई भी समय नहीं दिया जाएगा। सर्विस शाहरुख द्वारा गोरखपुर की फील्ड में, खूबसूरत सर्विस शाहरुख द्वारा, अच्छी शॉट। खूबसूरत शॉट कही जाएगी गोरखपुर के खिलाड़ी द्वारा। 1 पॉइंट हासिल किया आजमगढ़ ने। आजमगढ़ 23 और गोरखपुर 17। अपने मंजिल के करीब धीरे धीरे पहुंचती हुई आजमगढ़ की टीम। शाहरुख, अच्छी सर्विस कही जाएगी शाहरुख द्वारा। शाहरुख के बारे में आपको बता दूं कि पूर्वांचल के माने जाने सर्विसर हैं। 1 पॉइंट और मिला गोरखपुर को। गोरखपुर 18, आजमगढ़ 23। स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ और हरियाणा दोनों टीमें ग्राउंड के बाहर वार्म अप होने। जीत गए, चलो जीत गए, चलो जीत गए। आज बंद कर दे, बंद कर दे।